चलिए ठीक है, साउंड नेक्स्ट क्लास है साउंड का। साउंड की इसके पहले इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, म्यूजिक क्या होता है, नॉइज़ क्या होता है, म्यूजिक का मतलब क्या है, ऐसे साउंड हैं जिनको सुनने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा हैप्पीनेस वाली फीलिंग आती है, खुशी खुशी होता है, मन गदगद हो जाता है, मन बाग बाग हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूजिक। लेकिन जिस साउंड को सुनने के बाद आपको इरिटेशन होता है ना, आप परेशान हो जाते हैं एकदम कि ये क्या रहा है, उसको बोलते हैं क्या, नॉइज। इसीलिए टीचर आपको क्लास में बोलते हैं डोंट मेक ए नॉइज, मतलब तुम ऐसे साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो जो मुझे क्या कर रही है, इरिटेट कर रही है, क्लास को क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, उसको बोलते हैं नॉइज। साउंड को क्या बोलेंगे, कोई सीट पीट रहा है, पीट रहा है, जैसे कभी कभी गाना आप चलाते हैं, कुछ लोग ना उस गाने के जो लिरिक्स होते हैं उसके साथ गाने लगते हैं, उनको लगता है वो भी उससे बेहतरीन गा रहे हैं या लगभग उसके बराबर गा रहे हैं। लेकिन एक आदमी और जो उसके साथ है, जो गाना सुन रहा है, वो बड़ा इरीटेट होता है, यार ये कहाँ से खजूर टाइप का आदमी है, किस तरह गाना गा रहा है, फटी ढोल जैसा एकदम काम कर रहा है वो, बेकार। लेकिन अगले को लगता है कि यार मैं बेहतरीन गा रहा हूँ, मज़ा आ रहा होगा गले को सुनने में, वो सब क्या होगा, नॉइज़ होगा। कोई कोई आदमी बेहतरीन गाते हैं, उनका लोगों को मज़ा ही आ जाता है, समझ रहे हो, नहीं समझा भैया, ठीक है। जो तुम लोगों को मेरी बात नॉइज़ लिख सकती है, जैसे समझाने वाली बात हो गई, लेक्चर देते हैं, सारे प्रवचन देते हैं, लेक्चर देते हैं, ये नॉइज़ हो सकती है। लेकिन म्यूजिक जिनको लगेगा कि मेरा कैरियर बन रहा है, काम की चीज़ है, ये सुधार आएंगी, अब इम्प्रूवमेंट होगा हमारा, तो हम क्या बोलेंगे, क्या है बात है? अब आ जाते थे नेक्स्ट, देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है। लाइट में आप लोगों ने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में क्या होगा, जैसे लाइट में क्या होती थी, लाइट किसी सरफेस पे गिरती थी, फिर बाउंस बैक होकर उसी मीडियम में वापस हो जाती थी, लाइट के इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी तरह से साउंड में है, साउंड किसी सरफेस पे गिरेगा, फिर वहां से क्या होगा, बाउंस बैक होकर वापस आएगा, इको होगा। इस एरिया में आप चले जाते हैं, बोलते हैं, वॉइस प्रोड्यूस करते हैं, अपना साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बहुत तेज़ी से किसी का नाम या कुछ भी बोलते हैं, तो वो आवाज़ बार बार गूंजती है कि नहीं, क्या होगी, पहाड़ों से, पेड़ पत्तों जो भी हैं, झरने से सबसे टकराएगी आवाज़, क्या होगी तुम्हारी, वापस आएगी। रिफ्लेक्शन ही तो हो रहा है, बाउंस बैक ही तो हो रही है, अभी तो सुन रहे हो आप, कंडीशन है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में क्या है, जरा देखना, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज सिमिलर टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ऑबेज द फॉलोइंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में क्या है, बेसिकली मैं बता दूं आपको, एकदम क्लियर कर लो भैया पहले, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का मतलब क्या है, कि मान लेते हैं ये कोई है, अब यहाँ कोई साउंड है, कोई सोर्स कोई है यहाँ पर, ठीक है भैया, अब मान लीजिए यहाँ पर क्या किया है उसने, साउंड को प्रोड्यूस किया, साउंड प्रोड्यूस किया तो साउंड कहाँ जाएगा, यहाँ से, बोलो, यहाँ से प्रोड्यूस किया तो यहाँ को जाएगा भैया, ठीक है ना, ये है डायरेक्शन, फिर लौट कर यही क्या होगा। तो अब इस केस में क्या होगा, जो भी हमने यहाँ पर प्लेन बना दिया, जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है भाई, को समझो यहाँ, जो भी आपने प्लेन बना रखा है, जो भी चीज़ें आपने ड्रॉ कर रखी है, अभी इस प्लेन पे क्या हो गया, अगर इसको हमने ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है, इसमें क्या होगा, नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है तो ये साउंड यहाँ पर क्या करेगा, ये स्ट्राइक करा साउंड वेव, फिर यहाँ से क्या हो गया, ये है इंसिडेंट साउंड वेव, को बोलेंगे हम लोग इंसिडेंट साउंड, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड साउंड, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है ना, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये क्या हो गया हमारा नॉर्मल, लाइट का भी होता है, ये कोई सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ से टकरा के लट रहा है, अब इसमें क्या होगा, साउंड वेव किसी इस तरह के सरफेस पे पड़ा, फिर बाउंस बैक होकर उसी मीडियम को वापस लौट आ गया, तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में, द फिनोमेना इन विच व्हेन ए साउंड वेव इज मेड इंसिडेंट ऑन ए सरफेस एंड गेट बाउंस्ड, ठीक है, द फर्स्ट मीडियम या इनिशियल या जो उसका स्टार्टिंग मीडियम था, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड व्हाट, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मतलब लाइट साउंड वेव आया, डेफिनेशन में लाइट वेव मत बोलना, क्या बोलना, साउंड वेव, ट्राई किया फिर बाउंस बैक होकर उसी मीडियम में वापस आ गया, इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है। अब इसके दो लॉ हैं, इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है हमारा, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट साउंड वेव का जो एंगल होने का, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड साउंड वेव के साथ जो एंगल बने का, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके दो लॉ हैं, दोनों लॉ क्या क्या हैं, देखो पहला लॉ क्या है हमारा, फर्स्ट लॉ में कहा जाता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है मतलब आई इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, इसमें आर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होगा, इक्वल होगा। दूसरा क्या कहा जा रहा है इसमें, सेकेंड लॉ हमारा क्या है, द इंसिडेंट क्या दिया है, द इंसिडेंट साउंड एंड नॉर्मल साउंड एंड द नॉर्मल साउंड ऑल लाई इन द सेम प्लेन,
नॉर्मल साउंड नहीं, यहाँ रिफ्लेक्टेड साउंड होना चाहिए। क्या होगा यहाँ पर? रिफ्लेक्टेड साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड और नॉर्मल, ये मतलब ये नॉर्मल इंसिडेंट साउंड और ये रिफ्लेक्टेड साउंड, सीनो क्या होंगे ये सब? एक ही प्लेन में होंगे। एक ही प्लेन में होने का मतलब क्या है? अगर ये साउंड वेव इस बोर्ड को टच करके आ रहा था तो ये साउंड भी क्या होगा? टच करके ही जाएगा और ये नॉर्मल भी इसी बोर्ड पे ही ड्रॉ, सेम प्लेन में होने का मतलब। ओके बोलो। हाँ इको, वो इको है बेटा, अभी बताएंगे उसको। हाँ बेटा ये करण अर्जुन आएंगे। स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड की बात करेंगे। साउंड जिस स्पीड से किसी मीडियम में ट्रेवल होगा, प्रोपोगेट होगा, वो उसकी क्या हो जाएगी दोस्त? स्पीड हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू हमेशा क्या होता है दोस्त? स्पीड इक्वल टू हो जाएगा अपना डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या दोस्त? अभी इको की बात करेंगे तो वहां लिखेंगे। स्पीड को अगर मैं वी से रिप्रेजेंट करूँ, डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करूँ या डी से रिप्रेजेंट करूँ, ये क्या हो जाएगा? अपॉन में टी। ये हो गया हमारा द स्पीड एट विच साउंड वेव्स प्रोपागेट थ्रू ए मीडियम इज नोन एज द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड है तो स्पीड का एमके सिस्टम में यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगी जरा बताना मुझे, यूनिट क्या होगी स्पीड की? स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड एमकेएस में, और सीजीएस में क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। एमके सिस्टम इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? सेंटीमीटर पर। सब पढ़ रखे हैं यहाँ पीछे, ठीक है, बस एग्जाम लो रिकॉल कर दे रहे हैं। लास्ट में कहता है इको, इको के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो इको क्या होता है? इको में क्या होता है? जैसे तुम, मैंने कहा हिल्स एरिया में पहुंच जाते हो या कहीं भी, मान लीजिए कमरा खाली हो, तुम जाकर चिल्ला रहे हो, साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वॉल से हैं जितनी भी चीज़ें हैं उससे रिफ्लेक्ट होकर साउंड आती है, तुम्हें सुनाई देती है बार बार, आवाज़ गूंजती है कि नहीं? ऑरिजिनल साउंड प्रोड्यूस होगा, फिर बाउंस बैक होकर आएगा सुनेगा, तो उसको बोलते हैं इको। क्या बोलते हैं दोस्त? इको। इको का मतलब क्या है? कहीं से साउंड प्रोड्यूस किया हमने, या कोई आदमी मान लो शाउटिंग कर रहा है या कोई भी वॉइस निकाल रहा है, जाएगा वॉइस, वो साउंड निकलेगा, किसी सरफेस से टकराएगा, टकरा कर वापस आएगा, वो आदमी दोबारा उस साउंड को सुनेगा। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब जो रिपीटेड साउंड वो सुन रहा है उसी को क्या बोलते हैं? इको। उसको बोलेंगे क्या? ये चीज हमारा हो जाता है क्या? इको। कंडीशंस है को की क्या कंडीशन है अभी डिस्कस कर, सब समझ में आ जाएगा कि सब आ जाएगा, टेंशन मत लो। अब इसमें आ जाओ दोस्त, इको का मतलब क्या हो गया? जो रिपीटेड साउंड आपको सुनाया जा रहा है, रिपीटेड साउंड का मतलब क्या है? एक बार साउंड गया यहाँ से, प्रोड्यूस हुआ, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो दोबारा उसको सुन रहा है वही साउंड जो प्रोड्यूस किया है। ये जो प्रोसेस है, ये जो फिनोमेना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इको। इको का मतलब क्या है? ठीक है, द लिसनिंग ऑफ इट रिपीटेड वॉइस और वॉट साउंड इज कॉल्ड वॉट? इको। अगर एज ए सिंपल सेंटेंस में समझे तो इसका मतलब, बाकी समझना, कोई साउंड यहाँ से प्रोड्यूस करेगा, जैसे आदमी देखो यहाँ खड़ा है चिल्ला रहा है, कॉल पर जाए वॉइस टकराएगी, लौट कर आएगी, फिर यह सुनेगा, वो जो रिपीटेड साउंड जो यहाँ प्रोड्यूस किया पहले, तो जो बोला होगा तभी सुना होगा, उसको सुनने के बाद जब दोबारा वो साउंड रिफ्लेक्ट होकर आया होगा, दोबारा उसी वॉइस को सुना होगा, तो वो दोबारा सुन रहा है, जो रिपीटेड लिसनिंग हो रही है हमारे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इको बोलेंगे। जब ये रिपीटेड लिसनिंग तुम्हारी बार 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 होती रहेगी, तो उसी को बोलते हैं रिवर्बरेशन। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, उसको बोलते हैं रिवर्बरेशन, फिलहाल वो सिलेबस में नहीं है। अब इस इको में देखो क्या क्या होगा। अगर ये डिस्टेंस हमारी डी थी, अगर ये डिस्टेंस हमारी क्या थी दोस्त, समझना दोस्त, अगर ये डिस्टेंस आपकी डी थी यहाँ पर, अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस डी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, और साउंड जिस स्पीड से जा रहा है मान लेते हैं वो स्पीड क्या है हमारी? वी है। यहाँ से यहाँ तक इसको जाने में और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में उसको टाइम मान लेते हैं कितना लग रहा है? टी लग रहा है। जाने और आने में दोनों टाइम कितना लग रहा है? टी लग रहा है। या ये मान लो कि जाने में जो टाइम लग रहा है हमारा, जाने में टाइम टी वन लग रहा है और आने में टाइम कितना लग रहा है दोस्त? टी टू लग रहा है। सपोज जाने में टाइम टी वन लग रहा है और आने में टाइम कितना लग रहा है? टी टू। तो यहाँ से स्पीड इक्वल टू क्या होगा ये समझना, स्पीड इक्वल टू क्या होगा बोलो? स्पीड इक्वल टू क्या होगा? स्पीड क्या होगा साउंड का? स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्टेंस बाय क्या होगा? टाइम होगा। अब ये d डिस्टेंस गया और d ही डिस्टेंस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारा? 2d हो गया दोस्त।
इको के केस में है ये, किसके केस में है, इको। बाकी नॉर्मल स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। इको के केस में जब वो जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसको दोबारा सुन रहा है, तब तक साउंड कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, री डिस्टेंस गया और री ही डिस्टेंस वापस आया। भाई लौट कर आएगा तभी तो सुन पाओगे। तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, 2D। टोटल टाइम कितना हो गया, जाने में लगा टाइम T1, आने में टाइम कितना लगा T। ठीक है, या इसी को अगर शॉर्ट में लिखें तो दिस होल अपॉन टी, और टी इक्वल टू क्या है तुम्हारा, ये T1 + T2, ये जाने का टाइम है, ये आने का। इको के केस में क्यों हो जाएगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसमें समझना, इको के लिए वो कंडीशंस क्या है, वो फेवरेबल कंडीशन क्या है कि जब हमारा इको बड़ी से होगा, तब हमारा इको प्रोड्यूस होगा, ये समझते हैं। वो कंडीशंस क्या है, तो कंडीशंस क्या है वो समझते हैं। पहली कंडीशन क्या है, अगर हमने ये पढ़ लिया, हम ये जानते हैं कि जो भी साउंड हम सुनते हैं, जो भी वॉइस हम सुनते हैं, उसका उसका हमारे कान पे कितने टाइम तक इफेक्ट रहता है भैया, 0.1 सेकेंड तक या 1/10 सेकेंड तक उसका इफेक्ट हमारे कानों पे रहता है। जैसे मैं जो भी चीज़ बोल रहा हूँ, इस वॉइस का, इस साउंड का आपकी कान पे कितनी देर तक इफेक्ट रहेगा, 0.1 सेकेंड तक, 0. या 1/10 सेकेंड तक। इसका मतलब इको या रिपीटेड वो साउंड हम कब सुन पाएंगे, वो साउंड हम रिपीटेड तब सुन पाएंगे जब वो साउंड 0.1 सेकेंड के बाद आए। अगर इतने टाइम पहले से आ जाएगा तब तो वही वॉइस हम सुन रहे होंगे ना, अगले को सुन पाएंगे क्या, नहीं सुन पाएंगे। इसका मतलब इको की बात या रिपीटेड साउंड हम वही तो तब सुन पाएंगे, रिपीटेड वॉइस हम तब सुन पाएंगे जब वो वॉइस क्या हो, 0.1 सेकेंड के बाद आए। अगर 0.1 सेकेंड के पहले आ जाएगा तो हम उसको सुन नहीं पाएंगे। बस क्लियर है हमारी, ठीक है, अब आ जाओ। इसका मतलब जो इफेक्ट रहेगा उसका हमारे कान पे कितना रहेगा, 0.1 सेकेंड तक रहेगा, जो भी वॉइस हम सुन रहे हैं, इस इतने टाइम के बाद आना चाहिए। और स्पीड इक्वल टू, अभी हमने कहा अगर इको की हम बात कर रहे हैं तो 2D/T क्या होता है, टी होता है दोस्त। साउंड की जो नॉर्मल स्पीड होती है एयर में वो कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड। कितना होता है, ये हो जाएगा 332 मीटर पर सेकेंड है ये स्पीड। हमें डिस्टेंस निकालनी है, टाइम कितना लिख दिया, 0.1, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये 33.2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2D, तो यहाँ से D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 33.2 / कितना हो जाएगा, 2। 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे दोस्त कितना हो जाएगा, जरा बताओ। 2 1 2, 2 6 12, 2 6, इतने हो जाएगा ना, 66.6। इसी को लिखा जाता है अप्रॉक्स 17। कितना लिखा जाएगा, अप्रॉक्स 17। इसका मतलब इतने सेकेंड के डिफरेंस के लिए साउंड को कम से कम कितनी दूर से आना चाहिए लौट कर, या कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, 16.6। इसका मतलब जो रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर का मतलब ये रिफ्लेक्टर है, जैसे ये वॉल है, ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टर है, जहां से साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टर। इससे साउंड टकरा के वापस आ रही है उसको क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्टर। इसका मतलब जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, अगर वही सुन भी रहा है जिस प्लेस पे है, तो जो प्रोड्यूसर है और जो लिसनर है एक ही आदमी है, तो रिफ्लेक्टर और उस आदमी के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, कम से कम 17 मीटर। मतलब जो आदमी है, जो लिसनर है ना, और वो प्रोड्यूसर भी है, रिफ्लेक्टर से उसकी बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर से कम होगा तो इको सुनाई नहीं देगा। जैसे मैं इस यहाँ बोल रहा हूँ, अगर डिस्टेंस हमारी कम है तो इको सुनाई नहीं देगा हमें। जैसे तुमने कहा कमरा खाली रहता है, तो कमरा खाली रहेगा, बड़ा सा कमरा है, जाओ बोलोगे तो आवाज़ सुनाई देगा, क्योंकि डिस्टेंस वो मेंटेन रहेगी। जब चीज़ वस्तु रख दोगे तो बहुत सारे सामान आसपास आ जाएंगे, तो डिस्टेंस कम हो जाएगी ना, साउंड तुरंत ही टकरा जाएगी। टकरा टकरा के आ रही हैं, लेकिन वो डिस्टेंस क्या है, 0.1 सेकेंड के अंदर ही आ जा रहा है, इसलिए इको वाली फीलिंग नहीं आ रही है। यही डिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो अब वो टकराएंगी भी, लेकिन 0.1 सेकेंड के बाद आएंगे सुनेंगे तो हमें इको समझ में आएगा। इन रीज़न ये है, समझ में आए हमारी बात, ये चीज़ है। तो कंडीशन क्या है कि जो लिसनर है हमारा, जो लिसनर है या ऑब्जर्वर जो है, लिसनर और रिफ्लेक्टर के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, लिसनर या फिर क्या है, ऑब्जर्वर है ना, कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ऑफ, या डिस्टेंस बिटवीन, ऐसे लिखो, डिस्टेंस बिटवीन लिसनर एंड रिफ्लेक्टर शुड बी वॉट, शुड बी मोर देन आर इक्वल टू, मोर देन और वॉट, इक्वल टू 17 मीटर। या तो 17 मीटर होना चाहिए, या तो इससे क्या होना चाहिए, ठीक है भैया,
ये पहली कंडीशन हो गई हमारी। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए इसके लिए, ये समझो। सेकंड कंडीशन क्या है, पहले तो ये लिसनर जो भी है, जो हमारा प्रोड्यूसर है और लिसनर की और रिफ्लेक्टर की डिस्टेंस 17 मीटर या 17 मीटर से क्या होनी चाहिए ज़्यादा। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो साउंड वहाँ से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी सफिशियंट होनी चाहिए। कभी कुछ कुछ लोग बहुत धीरे बोल देते हैं, इस एरिया में भी गए किसी का नाम पुकार रहे हैं तो आवाज़ें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, इतना दम ही नहीं है, ये कहते हैं नहीं खाए पिए नहीं हो क्या, मतलब कम से कम इतनी इंटेंसिटी उसकी होनी चाहिए, इतनी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए कि जाए तो टकरा कर वापस भी, चलो इंटेंसिटी भी कम से कम कुछ सफिशियंट वो होना चाहिए अमाउंट में। अगर कम होगा तो अब कुछ धीरे से ही बोल देते हैं, मन में ही बोल देते हैं, कुछ लोग इतना बोलते हैं कि उनके अलावा कोई सुन ही नहीं पाता, तो वो इको प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी सफिशियंट होनी चाहिए, तभी वो जाएगा टकरा कर वापस हो पाएगा। समझाए हमारी बात, ठीक है। इसका मतलब इंटेंसिटी जो साउंड की होनी चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए, सफिशियंट होनी चाहिए। अगला कंडीशन क्या है, इंटेंसिटी शुड बी व्हाट, शुड बी एनफ, ठीक ठाक होना चाहिए। एक तो ये हो गया, अगली कंडीशन क्या होगी ये समझना। अगला कंडीशन ये होगा, अब ये जो रिफ्लेक्टर है और साउंड की जो वेवलेंथ है, साउंड की वेवलेंथ और रिफ्लेक्टर की वी, इसकी जो साउंड का वेवलेंथ है और रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर का जो साइज है साउंड की वेवलेंथ से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। मतलब अगर उसकी साइज, उसकी हाइट रिफ्लेक्टर का साउंड की वेवलेंथ से कम होगा तो वो साउंड को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। मतलब उसकी वेवलेंथ से उसकी हाइट, उसकी साइज क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए तभी रिफ्लेक्ट करेगा। नहीं एक सुई को सामने रख दिए 17 मीटर बोल रहे हैं हम, आवाज आएगी थोड़ी, ऐसे थोड़ी होगा भाई। जो रिफ्लेक्टर है उसका साइज, जो हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए तभी साउंड जाएगी उससे टकराएगी, और टकरा कर क्या होगी वापस, ठीक है ना। इसका मतलब तो हाइट या साइज ऑफ, साइज ऑफ, साइज या फिर क्या है हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर should be more than or greater than, क्या होना चाहिए, greater than wavelength of sound, wavelength of sound की wavelength से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ये echo की conditions हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला क्या condition क्या है कि distance इनके बीच का 17 या 17 से ज़्यादा होना चाहिए, intensity क्या होनी चाहिए सफिशियंट होना चाहिए, और जो हाइट है रिफ्लेक्टर का, जो साइज है साउंड की वेवलेंथ से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम होगा तो गहरा है हमारी बात। इसलिए कुएं में बोलते हैं तो देखो आवाज़ आती है, 17 मीटर से ज़्यादा गहरा कुआं होगा आप बोलेंगे आवाज़ आपकी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस। समझ भैया कहानी समझ में आई, वो शेर वाली कहानी सुने होंगे ना, वो गए शेर से लोग परेशान थे, गए कुएं में दिखाए, देखो वहाँ भी दूसरा शेर है, वो आवाज़ बोला परछाई भी दिखाई दी, उसको लगा दूसरा शेर है तो उसको मारने के लिए क्या गाँव वालों को स्टोरी सुने होंगे ना बचपन में, ये सब साइंस है टेक्निक है भैया। हाँ तो नहीं ये लॉजिक, हाँ हाँ शेर तो है ही बेटा, हाँ ठीक है समझ में आया। इको के लिए डेफिनेशन फार्मूला याद रखना, स्पीड इक्वल टू 2dmIT होता है। साउंड की स्पीड कितनी होती है एयर में, अप्रॉक्स 332, या फिर जो क्वेश्चन में दिया रहेगा हम मान लेंगे। सबसे ज़्यादा साउंड की स्पीड कहाँ होती है, सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में होती है, फिर कहाँ होती है भैया गैस क्या भैया। साउंड की स्पीड पे किन किन फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है ये समझ लेना, साउंड की इफेक्ट स्पीड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये समझना। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं ये बताओ। चलो पढ़े हो ना ये सब तुम लोग, बोलो हीरो बताओ कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे साउंड के स्पीड को, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे बताओ। एक तो एयर भी करेगा, विंड करेगी हमारी, विंड करेगी कि नहीं, हवा जो होगी एयर जो होगी हमारी करेगी कि नहीं। अगर साउंड हमारा एयर के डायरेक्शन में है तो आवाज तेज सुनाई देगी, एयर है विंड के डायरेक्शन का अपोजिट होगी तो जैसे हवा उधर से सामने से आ रही है, मैं इधर से बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ बहुत दूर तक नहीं जाएगी, लेकिन मैं इधर से ही बोल रहा हूँ हवाएं भी इधर ही चल रही हैं तो मेरी आवाज़ क्या होगी दूर तक
समझ रहे हो कि नहीं? एक तो हवा हो गया, दूसरा ह्यूमिडिटी से होगा दोस्त, दूसरा किससे होगा? ह्यूमिडिटी से होगा। ह्यूमिडिटी मतलब समझते हो? ह्यूमिडिटी कितना मॉइस्चर है एयर में, जैसे बारिश के बाद अपनी आवाज़ बोलो तो बहुत दूर तक गूंजेगी। ड्राई सीजन हो मान लो, ऐसे समर के टाइम ऐसे बोल दिया, बहुत रूखा सूखा डल वाला नेचर है अगर, तो ऐसा एटमोसफियर है तो आवाज़ बहुत दूर तक नहीं जाएगी। लेकिन बारिश होने के बाद थोड़ी सी ह्यूमिडिटी आ जाए, थोड़ा मॉइस्चर रहे एटमोसफियर में, बोलो तो आवाज़ बहुत क्या होगी, दूर तक, क्योंकि वो डेंस हो जाएगा ना थोड़ा सा। एयर अभी क्या होगा, थोड़ा रेयरर होगा, ह्यूमिडिटी आ जाने के बाद थोड़ा डेंस हो जाएगा। डेंस होने का मतलब क्या होगा, साउंड की स्पीड उसमें इंक्रीज हो जाएगी। अगला समझना, वैक्यूम में इसकी स्पीड क्या हो जाती है, वैक्यूम में साउंड की स्पीड क्या होता है दोस्त, वैक्यूम में साउंड की स्पीड क्या हो जाती है, जीरो। मतलब एयर या कुछ ना कुछ मीडियम तो रहना ही चाहिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो तुम्हें ध्यान रखना है वो क्या है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है इस पे, टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट करता है साउंड की स्पीड। अगर टेम्परेचर हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज, डिग्री सेंटीग्रेड भैया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज, तो उस मीडियम में साउंड की स्पीड 0.61 मीटर पर सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है ये, 0.61 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लाइट की स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन साउंड की स्पीड 0.61 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाओगे साउंड की स्पीड उतनी ही क्या हो जाएगी, ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज थी ध्यान रखना, बाकी एयर का, ह्यूमिडिटी का, वैक्यूम का, इन सब चीज़ों का इफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है, डन, ठीक है भैया। मीडियम तो चाहिए चाहिए साउंड को ट्रेवल करने के लिए, जान ही रहे हो, कोई दिक्कत। फ्रिक्वेंसी की बेसिस पे ना साउंड को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, ये समझना। फ्रिक्वेंसी की बेसिस पे साउंड को कितनी कैटेगरीज में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, ये समझना है। देखो क्या क्या है, अब आ जाओ, साउंड वेव या वेव की अगर हम बात कर रहे हैं तो कितनी कैटेगरीज में इनको डिवाइड किए हैं, ये समझना, ये लास्ट है, समझ लेना, इसके बाद ही खत्म, ठीक है दोस्त। अब जरा देखना, एक है तुम्हारा इंफ्रासोनिक वेव्स, एक क्या है तुम्हारा इंफ्रासोनिक वेव, इंफ्रासोनिक वेव, एक कौन सा है तुम्हारा सोनिक वेव। सोनिक वेव को ही कहा जाता है ऑडिबल वेव, क्या बोलेंगे इसको, ऑडिबल, इसको हम सुन सकते हैं। और लास्ट क्या है, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। अब ये क्या है ये समझो, हाँ हाँ सेम है बेटा। तू इंफ्रासोनिक वेव को मतलब ऐसी वेव है जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, लेस देन 20 हर्ट्ज़ है, लेस देन कितनी है 20 हर्ट्ज़, इसकी फ्रिक्वेंसी, ये क्या है इसकी फ्रिक्वेंसी, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी दोस्त, ऐसी वेव जिसकी फ्रिक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज़ है। कुत्ते जैसे कुछ जानवर एनिमल जो होंगे कुछ ऐसे सुन पाते हैं, हमारी सम आपके लिमिट से ऊपर है, नीचे फ्रिक्वेंसी होगी तो कोई भी साउंड हम, लेकिन ऑडिबल जिसको हम सुन पाते हैं जो हमारी रेंज में है वो कौन सा है, फ्रिक्वेंसी कहाँ होनी चाहिए, किस रेंज में होनी चाहिए, बिटवीन 20 हर्ट्ज़ एंड 20,000, 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ के बीच की अगर फ्रिक्वेंसी है, ये फ्रिक्वेंसी रेंज वाली जो साउंड होंगी, जो हमारी वेव होंगी उसको हम सुन पाएंगे, साउंड वेव जो, इसीलिए उसको बोला जाता है ऑडिबल। क्या बोला जाएगा भैया, नॉर्मल हम जो लोग बातचीत कर रहे हैं ये 40 से 45 डेसिबल में होता है ना, साउंड की जो इंटेंसिटी हम किस में मेजर करते हैं, साउंड की इंटेंसिटी किस में मेजर करते हैं भैया, हाँ डेसिबल में मेजर करते हैं। साउंड की इंटेंसिटी किस में मेजर करते हैं, इसकी जो यूनिट है क्या है दोस्त, डेसिबल है, क्या है डेसिबल, शॉर्ट में लिखा जाता है डीबी, क्या लिखा जाता है डीबी। अल्ट्रासोनिक वेव का मतलब क्या है, ऐसी वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मोर देन 20,000 हर्ट्ज़, 20,000 हर्ट्ज़ से जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ऐसी वेव को हम लोग क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स। जैसे बैट वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, बैट जानते हो ना, उसी से तो अपनी आवाज़ वो रास्ता क्लियर करती है ना, अंधेरे में नहीं देख पा रही है, साउंड प्रोड्यूस करेगा, साउंड कहीं से टकरा कर वापस आ जाएगा तो समझ जाएगी कि रास्ते में हमारे क्या है, कोई बैरियर है, कोई ऑब्स्टेकल है, तो अपना रात पाथ जो भी होगा, अपना वे जो होगा उसको क्या करेगी, चेंज करें। समझ में आया,
एनिमल्स की कैटेगरी में आती, बड़े बड़े जानवर जैसे डायनासोर उस टाइम के अपने टाइम में थे ना, वो सब होंगे ठीक है ना। और जैसे हम लोग सबमरीन वगैरह हमारी होती है भाई, बड़ी बड़ी मशीन, बड़ी बड़ी उन चीज़ों में प्रोड्यूस होगा ये हमारी आपकी कैपेसिटी की बहुत। इतना बेटा कान में चला जाएगा साउंड, कान से खून आ जाएंगे, समझ रहे कि नहीं? हाँ, फिर वाली कंडीशन आ जाएगी, बहरे हो जाओगे। क्या कहते हैं ऑडिबल वाला रेंज ये है। और भैया क्या ये था साउंड की पूरी कहानी, जो बेसिक आइडिया हमें रखना था, फिर इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे और जो भी क्वेश्चंस होंगे थ्योरेटिकल वाले देखेंगे। ओके डन, ठीक है, चलिए फिर।